Hello everyone, I am Anurag Pandey from Access Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about reproduction in plants. Reproduction ka kya matlab hota hai? Reproduction is a biological process in which new individuals are produced from their parents similar to themselves. Yani ki apne hi jaise offspring produce karne ka jo process hai, us process ko hum bolte hain reproduction. Reproduction jo hai wo hamara do tarike ka hota hai. पहला है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो हमारा नया प्लांट डेवलप करता है वो बिना किसी सीड्स के डेवलप होता है, यानी कि न्यू प्लांट्स अराइजेस विदाउट सीड. और जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहां पे नया प्लांट जो है वो सीड की हेल्प से डेवलप करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, लीफ है और बड है, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं. और जब नया प्लांट जो है वो इन वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो रहा होता है तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्लांट को फ्लावर को अगर छोड़ दिया जाए तो फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट आपको प्लांट में देखने को मिलता है वो सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. चूंकि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम देखते हैं कटिंग. कटिंग में क्या करते हैं कि हम एक ब्रांच को जो है वो कट करते हैं विद नोड, है ना, नोड के साथ जो है वो एक ब्रांच को कट करते हैं और उसको जो है वो सॉइल में बरी कर देते हैं और फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई देते हैं. तो कुछ टाइम बाद जो है वो हमको उस ब्रांच कटिंग ब्रांच से जो है वो एक नया प्लांट देखने को मिलता है. तो इस तरीके का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं कटिंग. ये जो भी हमको रोज में देखने को मिलता है और चंपा में देखने को मिलता है, तो हम क्या किए, रोज को जो है एक ब्रांच को कट किया, ब्रांच को कट करने के बाद उसको सॉइल में बरी कर दिया और फिर प्रॉपर मिनरल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, तो एक टाइम के बाद जो है ये पूरा प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है. फिर अगर मैं बात करूँ दूसरा मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो वो है थ्रू लीफ. थ्रू लीफ जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको ब्रायोफिल्म में देखने को मिलता है. ब्रायोफिल्म की लीफ में जो है वो मार्जिन में जो है वो बड्स अराइज होती है और जब ये लीफ मॉइस्ट सॉइल पे गिरती है तो वहां से बड्स जो है वो नया प्लांट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है. यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में जो है हमको लीफ के मार्जिन पे जो है वो हमको बड्स दिखाई दे रहे हैं. जब ये लीफ किसी मॉइस्ट या सुटेबल प्लेस पर जाएगी तो ये सारे बड्स जो है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप करा सकते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन उनके रूट के थ्रू होता है, जैसे स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, तो इनमें जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो थ्रू रूट होता है, यानी कि ये जो है वो रूट के थ्रू अपना एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस है, तो इनका एक पार्ट जब ब्रेक हो जाता है तो ये ब्रेक पार्ट जब जाता है तो इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, तो ये डिटैच पार्ट जो है वो एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कराता है. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बहुत ही जल्दी में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हमको थोड़े ही समय में एक प्लांट जो है वो देखने को मिल जाता है, उसमें फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग होती है. और दूसरा जो प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट ये है, ये एडवांटेज ये है कि जितने भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट्स डेवलप करा रहे होते हैं या फिर प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम प्लांट होते हैं, है ना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. बस डिसएडवांटेज इसका यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कि हमको यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है. फिर अगर मैं बात करता हूँ दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है हमारा बडिंग. बट क्या होता है? इट इज एन आउटग्रोथ विच डेवलप्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द पेरेंट बॉडी. यानी कि जब पेरेंट बॉडी की आउटर सर्फेस पे एक ग्रोथ हो जाती है, आउटग्रोथ निकलती है, तो उस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बट. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पेरेंट बॉडी है, ईस्ट का, ईस्ट में जो है वो बडिंग देखने को मिलता है. ईस्ट का जो आउटर सर्फेस है उस आउटर सर्फेस पे एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है और इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बट. ये बट जो है वो धीरे धीरे जो है वो मेच्योर होती जाती है और एक टाइम आता है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बट जो है वो मेच्योर होने के बाद दूसरी बट को जो है वो अराइज कराती है और इस तरीके से ईस्ट पे जो है वो एक बट्स का चेन होने लगता है और ये चेन जब आपस में डिटैच होगा तो जितने बट्स हैं उनसे जो है वो न्यू इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं. बडिंग प्रोसेस में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, वो आउटग्रोथ मेच्योर होकर के एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कराती है. फिर नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जो है वो जनरली हमको एल्गी में देखने को मिलता है. तो एल्गी में फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब कोई एल्गल प्लांट जो है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक जितने पार्ट्स ब्रेक होते हैं वो सारे के
सारे पार्ट जो हम फ्रेगमेंट बोले जाते हैं, वो सारे फ्रेगमेंट जो है वो न्यू प्लांट बॉडी या फिर न्यू एल्गल बॉडी को डेवलप करा सकते हैं। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं ये स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया और ये दोनों पार्ट जो है वो आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कराएंगे। तो इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो रही हो और वो पीसेस जो है वो आपस में जाकर के न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट को एडवर्स कंडीशन को पास करने में हेल्प करता है। एडवर्स कंडीशन जैसे ड्राउट हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये कंडीशन जो है वो पास करने के लिए वो स्पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं। स्पोर्स जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होती है तो स्पोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं। अब ये स्पोर्स जो है वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जब इनको सुटेबल जगह मिलता है, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो स्पोर जो है वो न्यू प्लांट बॉडी को या फिर न्यू फंगल बॉडी को डेवलप करा देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राइजोपस जो कि हमारा ब्रेड पॉल्ड है, यहाँ पे स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जब ये स्पोरेंजियम वॉल बस्ट होती है तो इस तरह से स्पोर जो है वो निकलते हैं और जब इनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ईच स्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे नया प्लांट जो है वो स्पोर्स के थ्रू फॉर्म हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरिएशन। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि जो न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा वो हमारा सीड्स के थ्रू होगा, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सीड्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इस फ्लावर में प्रेजेंट होता है स्टामेन और पिस्टिल। स्टामेन जो है वो मेल फ्लावर होता है और पिस्टिल जो है वो हमारा फीमेल फ्लावर होता है। अगर ये मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और अगर इन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है तो उस तरीके के फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, फ्लावर विच कंटेन्स ईदर ओनली पिस्टिल और स्टामेन, यानी दोनों में से एक, पिस्टिल और स्टामेन दोनों में से एक अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल होगा और दोनों प्रेजेंट है तो वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर, जबकि बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल है मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो मेल फ्लावर है उसको हम बोलते हैं स्टामेन और जो फीमेल फ्लावर है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम प्लांट में देख रहे होते हैं तो वो फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है वो होल देखने को मिलते हैं। तो फ्लावर में जो है वो टोटल चार होल देखने को मिलता है और इन चार होल में से जो आउटर मोस्ट होल होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, जो कि हमारा सेपल से मिलकर के बना होता है। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है प्लांट के बाहर पे आउटर मोस्ट सरफेस पे, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा कोरोला। कोरोला जो है वो हमारा कलर्ड लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर, हम पेटल्स जिनको पेटल्स बोलते हैं वो हमको फ्लावर में देखने को मिलता है। तो कोरोला जो है वो पेटल्स से मिलकर के बना होता है और ये कोरोला का जो फंक्शन होता है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना इनका मेन फंक्शन होता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट होल जो है वो हमारा होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, लेकिन यहाँ पे हम एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है हमारा सेपल। सेपल के बाद जो कलर्ड फूड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कलर लीफ लाइक कलर्ड स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना और इसके अंदर जो है वो हमको स्टामिन देखने को मिलता है और ये स्टामिन जो है वो हमारा एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। फीमेल पार्ट जो होता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओव्यूल। तो स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल से मिलकर के हमारा पिस्टिल जो है वो बना होता है। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो एंड्रोशियम जो है वो हमारा स्टामेन से मिलकर के बना होता है और एक स्टामेन में जो है वो एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। एंथर जो है वो पॉलन का प्रोडक्शन कराता है और ये पॉलन जो है वो आगे चलकर मेल गैमेट को डेवलप कराता है। गाइनोशियम जो है वो हमारा फीमेल पार्ट से मिलकर के बना होता है, दैट इज पिस्टिल और कार्पेल, और ये कार्पेल जो है वो स्टिग्मा स्टाइल और ओव्यूल से जो है मिलकर के बना होता है, ओवरी से मिलकर के बना होता है। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर पॉलिनेशन और इसी स्टिग्मा पे जो है वो हमारा पॉलिन आकर के अटैच हो जाता है।
फिर बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक में पॉलन का जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जनरली विंड्स के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू जो है होता है। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, जब विंड्स ब्लो होगी तो फ्लावर का जो पॉलन है वो फ्लावर से डिटैच हो जाएगा और डिस्पर्स होकर के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, एंथर से स्टिग्मा की सरफेस तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा, वो प्रोसेस है हमारा पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर हमारा पॉलन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो रहा है तो ये प्रोसेस होगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हमारा पॉलन जो है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर के स्टिक होगा तो ये हमारा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे सेम प्लांट का मतलब है प्लांट तो डिफरेंट होगा लेकिन स्पीसीज प्लांट की जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे दो प्लांट होंगे अलग अलग, दोनों प्लांट की स्पीसीज सेम होगी और एक प्लांट से फ्लावर निकल एक प्लांट का पॉलन निकल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के अटैच होगा। तो व्हेन द पॉलन ऑफ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट और सेम काइंड, ठीक है, प्लांट ऑफ सेम काइंड, ये जो है प्रोसेस वो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? जब हमारा सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो जब हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जाएगा तो वो प्रोसेस है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से होगा। कैसे होगा? दो तरीके से, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे चला जाए या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे चला जाए, तो ये प्रोसेस है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब सेम स्पीसीज के प्लांट होंगे, दो डिफरेंट प्लांट होंगे सेम स्पीसीज के, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसका पॉलन जो है वो इस प्लांट के फ्लावर पे आता है, इस प्लांट के स्टिग्मा पे आकर स्टिक होता है, तो ये प्रोसेस होगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट होते हैं लेकिन उनकी स्पीसीज सेम होती है और फ्लावर जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट, और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट में सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे भी हो सकता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे भी जो है वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब पॉलिनेशन के बाद हमको चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं? पॉलिनेशन के बाद जो है वो हमारा अब पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। स्टिग्मा के सरफेस पे अटैच होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी में जाएगा, ओव्यूल तक, जहां पर हमारा एग सेल प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे एग सेल और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट। तो यहाँ पे क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जायगोट। और ये जायगोट जो है वो डेवलप होगा हमारा न्यू एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो जो है वो हमारा सीड में जो है वो सेफ रहेगा और आगे चल करके न्यू प्लांट बॉडी को जो है वो डेवलप कराएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं सेपल पेटल्स है, ये सारे के सारे पार्ट जो है वो झड़ जाते हैं और ओवरी जो है वो आपका फ्रूट का फॉर्मेशन कराती है, ओव्यूल जो है वो सीड में जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हमको जो है मैच्योर ओवरी को हम बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट जो है अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो फ्रूट जो है वो हमारा राइट हैंड ओवरी है या फिर मैच्योर ओवरी है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एम्ब्रियो है सीड्स में जो है वो एम्ब्रियो हमारा सेफ रहता है, ठीक है। सीड कंटेन्स एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो सीड कोट के अंदर जो है सीड में हमारा एम्ब्रियो जो है वो सेफ रहता है। प्लांट्स में जो फ्रूट्स देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, एक फ्लसी फ्रूट्स जैसे कि मैंगो में देखने को मिलता है, और दूसरे जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि हमारा आलमंड्स है कैसियो है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट दो तरीके के होते हैं और
इस तरीके से हम देख रहे हैं फ्लैशी फ्रूट जो है वो हमको मैंगो में देखने को मिलता है, ड्राई फ्रूट जो है वो आलमंड है, काजू है, पिस्ता है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सीड डिस्पर्सल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे नेचर में हम कहीं पे भी देखते हैं प्लांट जो है वो ग्रो किए होते हैं। तो ये प्लांट किस तरीके से ग्रो करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हर जगह जाकर के प्लांटेशन कर रहे हैं, हर जगह जाकर के हम प्लांट लगाते हैं, लेकिन नेचर में जो है वो प्लांट्स हमको हर जगह देखने को मिलते हैं और ये प्लांट जो है वो सीड डिस्पर्सल प्रोसेस की हेल्प से जो है वो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो सीड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। और सीड डिस्पर्सल जो है वो जनरली विंड्स के थ्रू होता है, और विंड्स के थ्रू जैसे होता है तो ड्रम स्टिक जो है उसमें जो है वो विंड्स आती है, विंड्स एयर के साथ जो है वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर होता है, जहां पर उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो सीड जो है वो एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू जो है वो सीड डिस्पर्स होता है, जैसे कि आपका कोकोनट है, कोकोनट का जो सीड डिस्पर्सल है वो वाटर के थ्रू होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आपका जो सीड होता है जब फ्रूट ड्राई हो जाता है तो किसी शॉक या किसी जर्क की वजह से वो फ्रूट जो है वो ब्रेक हो जाता है और वहां से जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। जब ये सीड एक सूटेबल एनवायरनमेंट में या एक सूटेबल सॉइल में जाकर के लैंड करेंगे तो ये एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करेगा।